नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी डे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन खान। बिटकॉइन की कीमतें हर दिन नया रिकॉर्ड कायम करने के लिए जानी जाती रही हैं। इस क्रिप्टो करेंसी ने पिछले एक साल में निवेशकों को 700% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, लेकिन अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल के बयान ने बिटकॉइन की हवा निकाल कर रख दी। पावेल के बयान के बाद बिटकॉइन की कीमतों में एक झटके में 15% की गिरावट दर्ज की गई है। गुरुवार को दोपहर के समय बिटकॉइन की कीमत करीब 15% गिरकर $52,250 पर आ गई। दरअसल अमेरिकी फेडरल रिजर्व जेरोम पावेल ने बिटकॉइन को लेकर कहा कि क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाना काफी जोखिम का काम है। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि क्रिप्टो करेंसी डॉलर के बजाय सोने का विकल्प हो सकती है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन के इस बयान के बाद बिटकॉइन की कीमतों में तुरंत 4.7% की गिरावट आई और इसके बाद दोपहर तक कीमतों में 15% तक की गिरावट आ गई और ये दोपहर तक $52,250 तक आ गई। हालांकि इस गिरावट के बाद भी बिटकॉइन की कीमतें पिछले साल की तुलना में 700% से अधिक हैं। इससे पहले टेस्ला के मुखिया एलन मास्क के एक बयान के बाद बिटकॉइन की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिली थी। दरअसल एलन मास्क ने बयान दिया था कि ग्राहक टेस्ला की गाड़ियों की खरीदारी बिटकॉइन से कर सकते हैं, यानी ग्राहक चाहे तो बिटकॉइन देकर टेस्ला की गाड़ियां खरीद सकते हैं। बयान के बाद बिटकॉइन के साथ टेस्ला के कंपनियों में भी तेजी देखने को मिली। बिटकॉइन के साथ साथ दूसरे क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई है। खासकर एथीरियम, XRP, स्टेलर और चेनलिंक जैसी करेंसी करीब 7.45% तक गिरे। बाजार के जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में भी बिटकॉइन की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर जारी रह सकता है। बिटकॉइन के जोखिम को लेकर देश और दुनिया के बड़े निवेशक भी सतर्क रहने के बयान दे चुके हैं। भारत के सबसे बड़े निवेशक राकेश झुनझुनवाला ने कहा था कि मैंने ना तो बिटकॉइन में निवेश किया है और ना करने की सोच रहा हूं। वहीं दुनिया के सबसे बड़े निवेशक वॉरेन बफे ने भी बिटकॉइन को लेकर कहा कि बिटकॉइन का निवेश जोखिम भरा है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सिटी डे न्यूज़। नमस्कार।